हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एक रेंज में अभी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्रूड ऑयल एक रेंज में चल रहा है, तो अभी एक रेजिस्टेंस लाइन में है। तो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आप बाय करेंगे तो थोड़ा रिस्क में आ सकता है, क्योंकि आपको बाय करना है तो ये रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर जैसे 3840 या 50 का ऊपर में ही आपको बाय लेना चाहिए, राइट? नहीं तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो इसलिए आप मार्केट फिर से नीचे आ सकता है एक रेंज में, लोअर रेंज में, जो जैसे सपोर्टिंग लाइन आपको दिया हुआ है 3720 के आसपास, तो मार्केट नीचे आ सकता है, राइट? तो इसलिए बाय लेना है तो ऊपर ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो मार्केट एक रेंज में चला रहता है तो रेंज में ही रहता है, तो मतलब इंडिकेटर, जो इंडिकेटर सिग्नल आता है उसका थोड़ा फॉल्स सिग्नल आ जाता है रेंज ट्रेडिंग में। तो इसलिए रेंज ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, एक रेंज निकाल लेना है। जैसे मैंने ये रेंज निकाल दिया आपको 3840 और 3720, मतलब 100 पॉइंट का एक रेंज है। तो अगर ट्रेडिंग करना है ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना है, राइट? तो आप देख सकते हैं अभी 15 मिनट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में एक रेंज है, राइट? ये रेंज है। तो रेंज में क्या होता है, तो अब अगर आपने ये यहाँ पे बाय कर दिया, राइट, यहाँ पे बाय कर दिया तो मार्केट नीचे आ सकते हैं। आप ऐसे लगाएंगे इसका लोअर पॉइंट में, तो इसलिए आपको एसएल हिट हो जाएगा और ये रेंज का नीचे में आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे देखेंगे आपने ब्रेकआउट कर दिया इसका, नीचे आपने सेल कर दिया, थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। तो इसलिए आपको अगर ट्रेड करना है तो रेंज बाउंस ट्रेडिंग करना है, रेंज बाउंस बोलता है इसको। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो 3026 यहाँ पे, तो अगर आपने सेल कर दिया तो इसका थोड़ा ऊपर आपको एसएल लगाना चाहिए, क्योंकि इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और इसको अगर आपने कर लिया सेल कर दिया तो आपका टारगेट ये 3720 का आसपास लेना चाहिए, यहाँ से फिर से बाउंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिला तो इसमें आप फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपको अगर नीचे में मिले तो, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं हायर लो बना के जा रहा है। तो यहाँ से एक हायर लो बनाने से जहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग लाइन मिलेगा, यहाँ से आपने बाय करेंगे तो आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।